गुरु बाबा नानक जी ने जो 20 रुपया का लंगर चलाया वो लंगर का एक मकसद सी कि वो लंगर केवल जो प्रशादे पानी का लंगर नहीं, महाराज का उस वेले इशारा सी कि जो भी तुहाडे कोल गुण है, जो भी तुहाडे कोल विद्या है, जो भी तुहाडे कोल चीज़ है, वो चीज़ नू वंडो। और जो पिता जी ने गुरु नानक साहब ने सानू संदेश दिता है ना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, उस मोटिव नू लै के जो असी ये हस्पताल संगतां दे सहयोग दे नाल शुरू किया। जदों असी किते भी कीर्तन करन वास्ते जाईदा ते संगतां जो भी प्यार देंदियां ने, जो भी समागम तो जो भी सानू माया मिलदी है, बस इको ही मोटिव नू लै के कि चलो वह भलाई दे कारजां विच लगे। गुरु नानक देव जी महाराज नूं हर कोई मानता है, लेकिन उन्होंने सिद्धांतों से लोग पैरा नहीं देंदे। लेकिन अज असी एक जगह पर आए हैं जिथे कि बाबे नानक का 20 रुपये का हस्पताल चलता है। जी हाँ, 20 रुपये का हस्पताल सुन के तुसी हैरान जरूर होवोगे, लेकिन सच्चाई है कि सब तो पहले तुहानूं असी दिखा रहे हैं हस्पताल, तुहानूं लगता होगा कि शायद यह कोई कारपोरेट घराने का हस्पताल है जिथे कि बहुत ज़्यादा छिल लाई जाती होएगी, जिथे कि बहुत ज़्यादा पैसे लेते जाते होंगे, क्योंकि एक वड्डा हॉस्पिटल है, अच्छे तरीके इस तैयार किया गया है। लेकिन ये कोई कारपोरेट हॉस्पिटल्स नहीं, बल्कि बाबे नानक की सोच से चलन वाला 20 रुपये का एक हस्पताल है, जिस दी असी अज तुहानू रूपरेखा साझी कर रहे हैं। साडे नाल बाबा अमनदीप सिंह जी मौजूद ने, असी उन्हां नाल गलबात करांगे ते नाले उन्हां नाल चर्चा करांगे कि किवें मन च आया कि 20 रुपये वाला हस्पताल चलाना चाहिए। बाबा जी, किवें मन च आया कि 20 रुपये का हस्पताल, आखिरकार की कुछ ऐसी चाहवांगे कि तुसीं सानूं खुद दसो कि तुहाडे हस्पताल च किहड़े किथे ओपीडी चलदी ते किथे किथे चलदी है, ते की कहना चाहुंदे, किवें तुहाडे मन च आया कि 20 रुपये का हस्पताल खोलना चाहिए। सब तो पहले सारियां संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो जो भी इस वेले ये प्रोग्राम देख रहे ने, सारियां नूं मैं बड़े प्यार नाल सति श्री अकाल बुला रहा, फतेह बुला रहा। और जो इस जगह दे उत्ते गुरु बाबा नानक जी ने जो 20 रुपया का लंगर चलाया, वो लंगर का एक मकसद सी कि वो लंगर केवल जो प्रशादे पानी का लंगर नहीं, महाराज का उस वेले इशारा सी कि जो भी तुहाडे कोल गुण है, जो भी तुहाडे कोल विद्या है, जो भी तुहाडे कोल चीज़ है, वो चीज़ नूं वंडो। महाराज का मेन मोटिव ये सी, ते उसे मोटिव नूं उसे मिशन नूं मुख रख के असी ये जो हस्पताल संगतां दे सहयोग दे नाल खोलिया। और इहदे विच जो 20 रुपये की पर्ची, और उस पर्ची दे विच 2 दिन की दवाई दित्ती जांदी। और मैनूं दसदिआं होइआं ये बड़ी खुशी महसूस हो रही, जिहड़े डॉक्टर अपनी क्लीनिक ते 200-300-300 रुपया भी फीस लेंदे ने, इत्थे केवल ते केवल 20 रुपये दे विच देखदे और 2 दिन की दवाई भी दित्ती जांदी। और मन नूं इन्नी संतुष्टि हो रही इस चीज़ नूं चला के कि जिहड़े लोड़वंद ने, जिहड़े वड्डे हस्पतालां विच इलाज नहीं करवा सकदे, वड्डे हस्पतालां चों दवाइयां नहीं लै सकदे, और इस जगह ते जदों आ के उहनां दे इलाज हुंदे ने 20 रुपये दे विच, जदों उह दवाई लै के जांदे ने, ते एक मन नूं सकून मिलदा। और जो पिता जी ने गुरु नानक साहब ने सानू संदेश दिता है ना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, उसे मोटिव नूं लै के जो असी ये हस्पताल संगतां दे सहयोग दे नाल शुरू किया। और महाराज जी का तरस है, इस हस्पताल दे विच जिहड़ी दवाई मान लो बाजारों 100 दी मिलदी है, इत्थे केवल ते केवल 30 दी दित्ती जा रही। और मैं हर वेले संगतां दे चरणां च इहो भी इत्थे कीती जांदी, बिल्कुल जी, लैबोरेटरी दे सारे टैस्ट तुसीं देख रहे हो, लैबोरेटरी साडी जो आधुनिक टैक्नोलॉजी दे नाल बनी हुई है, जो जो नवीं मशीनां ने असी उही इत्थे प्रोवाइड करवाईआं ने, और ये सारे जो लैबोरेटरी दे टैस्ट बिल्कुल लागत मुल दे नाल कीते जांदे ने। तो क्यों, मतलब कारण की है कि इस तरीके का किवें दिमाग च आया, क्योंकि अक्सर असी देखते हैं कि साडे समाज एक लंगर प्रथा है, लंगर भी बहुत लगाए जाते हैं, पर इस तरीके असी पहली बार देख रहे हैं कि जिहड़े डॉक्टर्स के कमरे ने वह भी असी तुहानूं दिखा रहे हैं कि वह किवें मन च आया तुहाडे कि इस तरह होना चाहिए। बस मैं जिवें आप जी नूं कहा ना, जिवें मैं आप जी नूं पहले ये गल दसी कि गुरु बाबा नानक जी की जिहड़ी सोच सी वह कल्ली लंगर लाण दी नहीं सी, महाराज ने उस वेले एक मैसेज दिता कि मेरे को इस वेले जो भी है, 20 रुपये से महाराज के कोल मेरे को जो भी है, वह मैं लोड़वंदा की भलाई के लिए वरत रहा, तो वह मिशन लैके असी चले। और
एक अंदर सुकून भी मिलता और दूसरी गल जो असी किते भी कीर्तन करन वास्ते जाईदा ते संगतां जो भी प्यार देंदियां ने जो भी समागम तो जो भी सानू माया मिलती है बस एको ही मोटिव नू लैके कि चलो वह भलाई के कार्जा में लगे। ये डॉक्टर के कमरे तुसी देख रहे हो तो अपने वालों पूरी कोशिश की गई है कि ये जड़े अपने कारज ने महाराज जी की कृपा के नाल जिमें दूसरे प्रोफेसनल होस्पिटल होंगे वो अपनी जगह ठीक ने पर असी एक उन्हों तो भी सोहना लैवल लैके चलन की कोशिश कर रहे हैं कि लोड़वंदा की मदद होवे। वो जो टेस्टिंग वगैरह की गल की है किसी ले कोई टेस्ट ऐसे होंगे ने जोड़े कि काफ़ी महंगे होंगे ने क्या हर तरह के टेस्ट किए जाते हैं कि किसी ले कोई बाहरों भी कराना पैंदा? असी तकरीबन इतने हर तरह का टेस्ट करते हैं जे कोई लोड़ पैंदी भी है बाहर टेस्ट कराने की तो असी भी कोई प्रॉफिट नहीं रखिया वो बिल्कुल जो साड़ी उत्थे कोस्ट आती उ कोस्ट के मुताबिक असी मरीज को चार्ज करते हैं। ये साडा एक्सरे है डिपार्टमेंट तो एक्सरे भी उही बापू नानक वाली सोच ये भी कोई प्रॉफिट नहीं है 150 रुपए जेड़ा मर्जी एक्सरे करवावे बार जो एक्सरे होंगे हाँ जी डिजिटल एक्सरे बार जे भी एक्सरे होंगे कोई 500 का कोई 800 का कोई 1000 का तो इतने असी 150 रुपया लै रहे हैं। 150 रुपया हाँ जी 150 किन्ने के डॉक्टर्स इतने जे बैठते हैं? तकरीबन साढ़े को इस टाइम 6 डॉक्टर ने ओपीडी चलती साड़ी सवेरे 10 तो लैके शाम को 6 बजे तक तो बस पेशेंट लाभ लै रहे हैं और दिन के वेले जे किसी को एडमिट भी करना पवे थोड़ा जिहा इन्हां नूं जो फस्ट एड भी देनी पवे वह भी असी मुहैया करवाने। छोटा जिहा एक मतलब बेडिंग का भी सारा सिस्टम है जे किसी ने रात रहना होवे? नहीं रात नहीं दिन के टाइम 10 तो शामी 6 बजे तक। तस्वीरां तुहानू सांझियां कर रहे हैं इस हस्पताल दीआं ने तां मकसद इहो ही है कि जो गुरु नानक देव जी महाराज जी की सोच सी उस ते पहरा दिता जाए। तुसीं देख सकते हो कि लोग दूरों दूरों इत्थे आउंदे ने और एक फार्मेसी भी बनाई गई है तो फार्मेसी दिखाना इस करके जरूरी है कि दवाइया का जरा खर्च है वह बहुत ज़्यादा आता है तो दवाइया के खर्च में किवें मैनेज किया जाता है उस बारे चर्चा करांगे। तो सोच उही है कि किसी तरीके दे नाल असीं इसनूं अगे लैके आए जी। तो बाबा जी फिर दवाइयां दा किस तरह कर दिओ जी सारा सिस्टम सारा? मैं आप जी नूं दस्सिया कि जिवें असीं इत्थे चला रहे जिहड़ी दवाई बाजार 100 दी मिलदी इत्थे 30 दी पर हुण उहदे विच जिस तरह असीं बाजारों खरीदनियां दवाइयां खरीदियां तो माया नाल जाणगियां संगतां सानूं जो माया देंदियां ने कीर्तन दे सत्कार वजों जां कई साडे पक्के प्रेमी बणे होए ने जिहड़े अपना दसवंध भेजदे ने संगतां दे सहयोग नाल ही सारा कुछ चल रहा। फंड सब तो जरूरी सवाल जरा है कि पैसा कितों आता है? मैं वही बेनती आप जी नूं कीती कि जो असी कीर्तन करते हैं कीर्तन के दौरान जो भी संगत सानूं माया देंदी उहदे नाल भी और जिहड़े पक्के प्रेमी बने हुए ने वह भी अपना दसवंध भेजते चल सब कुछ संगत की असीस नाल रहा संगत के सहयोग नाल रहा। कितना कु जरूरी है? बहुत जरूरी ये तो बहुत जरूरी ये काम है जिहड़ा महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानूं पूरना पा के दस्सिया तो उस मुताबक असी 100 चों 100 पैसे नहीं चल सकते पर चलो एक कदम वधाने की कोशिश की हुई है। सरकारां जदों इलैक्शन लड़दियां ने ना तो उहनां दो मुद्दियां ते लड़दियां हैल्थ ते एजुकेशन पर तुसीं इस नूं शुरुआत की है? जी दोनों ही चीज़ां असी महाराज की मेहर नाल लईआं ने एक हैल्थ भी और एजुकेशन दा तां बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल है वह CBSE स्कूल है और उस स्कूल दे विच तकरीबन 850 बच्चा पढ़ रहा और CBSE स्कूलों में तुहानूं पता है किन्नी किन्नी डोनेशन दे नाम ते जो चार्ज करते हैं और एडमिशन भी किन्नी किन्नी फीसा भी किन्नियां किन्नियां और मैनू ये दसदियां खुशी महसूस होंदी मान लो जिहड़ी क्लास की फीस बाहरले CBSE स्कूलों च आम जिहड़े CBSE स्कूल ने बहुत नामी होण ते बहुत ज़्यादा फीसा ने जिहड़ा आम नॉर्मल भी स्कूल है वह 2500 2600 2700 जिहड़ी क्लास की फीस लैंदा ना असीं उह 500 लै रहे ते बस एक अंदर संतुष्टी है कम करके किवें मन च आया कि इहनूं होर भी वधाउण दी गल आखी जा रही जिस तरह मैनूं पता लगा कि फिजियोथैरेपी डिपार्टमेंट बना रहे हो आई होस्पिटल बन रहे हैं मकसद की? बस मकसद इहो ही भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला और इत्थे ये नहीं कि कल्ले सिख ही कोई भी आन हिंदू भी ना आन कोई मुसलमान आन कोई भी आवे जो जी आवे स्वराजी जावे बस इहो ही मकसद है। लैणे 20 रुपये हाँ लैणे 20 रुपये वध नहीं? नहीं वध नहीं कदे दिल नहीं कीता कि चलो जे वध कोई देंदा होवे? नहीं वध क्यों दिल करेगा साडा साडे लई संगत बैठी है बाबा नानक बैठा है वह तो हाजिर नाजर है जे वह हाजिर ना हो फिर तो असी भी सोचिए लैण की वह हर जगह पर हाजिर है हर कारज नूं रास कर रहा तो फिर कोई तोट आती नहीं। वैसे तो कहें कि अजक समाज डॉक्टर्स नूं तो अजक कहें मूँह नूं लहू लगा हुंदा पर तुसीं लहू लाता
असी लहू लाया नहीं, मान लो लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिहड़े साडे जिन्ने भी डॉक्टर ने बड़े प्यार वाले ने, और महाराज जी की मेहर के नाल जो भी इन्हां दी फीस है वो असी दे रहे हैं इन्हां नूं, जो भी इन्हां नूं चाहीदा होवे लोड़ अनुसार इन्हां दीआं फीसां दित्तियां जा रही ने। बस एक इन्हां दे अंदर भी सेवा भावना भरन की कोशिश की जा रही है। ऑर्थो दे डॉक्टर ने सारे दे डॉक्टर जी इतने ऑर्थो भी ने, और जिहड़े रूटीन चैकअप ने जनरल डॉक्टर भी बैठते ने, और स्किन दे डॉक्टर भी बैठते ने, ये सारे हार्ट स्पैशलिस्ट भी ने महाराज की कृपा दे नाल पेट दे। हाँ जी 20 रुपए दे विच ही पर्ची 20 रुपए ही है जी। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ। 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਅਸੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਧ। ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ? ਅਪਰੋਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੇਲੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ 20 ਰੁਪਏ? ਹਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਫਲ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ OPD ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਕਿਨ ਦੀ OPD ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ OPD ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਈ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਬਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਾਂ? ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੀਝ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਮਾਇਆ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਮਾਇਆ ਘਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਵਲਵਲਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਵਲਵਲਾ ਕਿ ਉਸ ਵਲਵਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਔਰਥੋ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਹੀ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।